धान की क्यारी में उतरेंगे मोदी, धीरज दुबे का भाजपा पर तंज। जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी के गढ़वा आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खास उत्साह है, वहीं झामुमो नेता धीरज दुबे ने इस आगमन पर बड़ा तंज कसा है। जेएमएम के नेता धीरज दुबे ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की इतनी लोकप्रियता है कि भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी को धान की क्यारी में उतारने की जरूरत महसूस हो रही है। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल में एक नई गर्माहट ला दी है। भाजपा के अनुसार गढ़वा के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री गढ़वा की धरती पर उतरेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। इसके चलते सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों में भी तेजी आ गई है। सभा में उम्मीद की जा रही है कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन के मुद्दों पर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास करेगी। वही जेएमएम ने इसे भाजपा की असफल रणनीति बताते हुए दावा किया कि गढ़वा में जेएमएम के प्रति जनता का झुकाव अस्पष्ट है, जिसके कारण भाजपा को जनता का समर्थन पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अब कोई दाल नहीं गलने वाला, जनता मन बना चुकी है और अब की बार एक बार फिर विकास के नाम पर गढ़वा में झामुमो भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को गढ़वा में आना पड़ रहा है, ये स्थिति यहाँ की जनता तो बना दी है। अतिथि देवो भव के माध्यम से उनका स्वागत है। जिस हेलीपैड पर उतरेंगे, वो हेलीपैड का पार्क भी जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा बनवाया गया है। जिस बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, वो भी माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाया गया। तो जिस जो प्रधानमंत्री जी परमंडल में उतरते थे, 7-8 विधानसभा के बीच में, उनको अकेले एक विधानसभा गढ़वा में आना पड़ रहा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर यही 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी आते तो वो गढ़वा की बदहाली और दुर्दशा देखकर जरूर चिंतित होते कि हमारा जो यहाँ प्रत्याशी अभी वर्तमान में है, उस समय 10 साल तक विधायक रहा। 10 साल में उपलब्धि के नाम पर दो चीज रहा, एक है चेक स्लिप घोटाला विधायक कोटा का और दूसरा कलकतरा घोटाला, काम कुछ किए नहीं। तो 5 साल पहले अगर मोदी जी आए रहते और फिर अभी 5 साल बाद आते तो जरूर एक बार पीठ ठोक के बाबाई देते कि हाँ, 5 साल में गढ़वा को आपने विकसित करने का काम किया है, गढ़वा में बिजली, सड़क, पार्क, पर्यटन सब स्थिति में, शिक्षा के क्षेत्र में आपने विकास किया है। लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई भाजपा की कि गढ़वा विधानसभा में धान के क्यारी में मोदी जी को बुलाना पड़ रहा है। जनता प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जनता तो उत्साह के साथ उनका स्वागत करेगी, देखने जाएगी, लेकिन जानती है कि 10 साल जिसको समय जनता दे चुकी है, 10 साल में वो कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए थे, विधायक कोटा का घपला कर देते थे, अलकतरा पी जाते थे, वैसे व्यक्ति को गढ़वा की जनता दोबारा नहीं चुनेगी। क्योंकि मोदी जी तो उड़ के चल जाएंगे, लेकिन गढ़वा की समस्या का समाधान मिथिलेश ठाकुर करते हैं। और स्थिति ये भी बनी हुई है कि सब तो ये भी बोल रहा है कि उनका तो चुनाव खत्म हो गया, तो वो कहला रहे हैं यहाँ तो विधायक का चुनाव है, तो विधायक के लिए वैसा ही उपयुक्त व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे जो गढ़वा का विकास करेगा। गढ़वा के सुख दुख में बर बीमारी होता है, शादी ब्याह गरीब का होता है, दाह संस्कार में मदद करने का होता है, तो मंत्री जी करते हैं। मंत्री जी गढ़वा को आगे लेके जा रहे हैं, तो हम लोग निश्चित को छोड़ के कभी भी अनिश्चित की ओर नहीं जाने जा रहे। हेमंता जी आएंगे, अभी 20-25 गो हेलीकॉप्टर आएगा। लोग यहाँ तो हम बोले कि इनके पास दो मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मुसलमान मुजरा जाति धर्म पर बांट देंगे। तो ऐसे लोगों को यहाँ की जनता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जनता उग चुकी है, जनता विकास चाहती है, जनता संसाधन में बढ़ावा चाहती है, जनता चाहती है कि जो हम लोग भोग रहे हैं उससे बाहर निकले, और उससे बाहर निकालने में माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी मदद कर रहे हैं।